रिलेटिव प्रोनाउन जो अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अब देखो रिलेटिव जो रिलेटिव क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं रिलेटिव क्लॉज है दो प्रकार की होती है, एक तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होती है और जो सेकेंड होती है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होती है। रिलेटिव क्लॉज दो प्रकार की होती है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव। इनकी पहचान क्या है? यदि कोई सेंटेंस है इस तरीके से कोष्टक में बंद हो, डैश 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 का प्रयोग किया गया हो और इन्वर्टेड कॉमास के से बंद हो या इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया गया हो जिस सेंटेंस में, वहां पर नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज हो। यदि कोई सेंटेंस है वो इस तरीके से कोष्टक में बंद हो, डैशेस का प्रयोग किया गया हो, डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया गया हो, वहां पर कौन सा होता है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होती है। ये इनका प्रयोग है हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, जबकि रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में हमें है कोष्टक है, डैशेज है और इन्वर्टेड कॉमास है, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है अर्थात कोई भी सेंटेंस की मीनिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है अर्थात है और जानकारी है उसको गोपनीय रखने की कोशिश की जाती है इस प्रकार के सेंटेंस में। और देखो कि जो रिलेटिव क्लॉज है रिलेटिव प्रोनाउन से बनी है। रिलेटिव प्रोनाउन में तीन होते हैं, हु विच और दैट। यहाँ पर देखते हैं नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक में देखते हैं हम हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक में हम देखते हैं whom होता है और पजेसिव केस में देखते हैं यूज होता है, who, whom, यूज। इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? पर्सन्स के लिए करते हैं। अब देखते हैं विच, नॉमिनेटिव केस में विच, ऑब्जेक्टिव केस में विच और पजेसिव केस में होता है ऑफ विच। इनका प्रयोग करते हैं हम थिंग्स के लिए करते हैं। अब है यहां पर दैट का, देखो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है दैट, ऑब्जेक्टिव केस में दैट होता है, पजेसिव केस में कुछ भी नहीं होता है और इनका प्रयोग करते हैं अपन दैट का पर्संस और थिंग्स के लिए करते हैं, पर्संस और थिंग्स के लिए करते हैं दोनों के। अब देखो सेंटेंस है माय सन इन लॉ हु लिव्स इन जयपुर इज ए डॉक्टर, तो यहां पर देखो हमने कॉमास का प्रयोग किया है, माय सन इन लॉ फिर कॉमा हु लिव्स इन जयपुर कॉमा इज ए डॉक्टर। तो देखो यहां आप है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हो। ओके तो कैसा सेंटेंस है? रिलेटिव क्लॉज में नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। अब देखो यहाँ माय सन इन लॉ हु लिव्स इन जयपुर इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर कॉमाज है, डैशेज है, इन्वर्टेड कॉमाज है, इनका प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि नॉमिनेटिव केस में हु पर्संस के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में हुम और पजेसिव केस में हुज का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कि अब देखो यहाँ पर देखो माय सन इन लॉ पर्सन है, पर्सन का प्रयोग किया है, पर्सन के लिए किसमें? हु हुम हुज में से कोई एक आएगा। हु लिव्स इन जयपुर, देखो हमारे पास सब्जेक्ट है जयपुर, इन जयपुर ये एडवर्बियल है, तो किसकी आवश्यकता पड़ी हमको? सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होगा? हु का प्रयोग होगा।